से सुनना, ये तो इन्होंने लैंग्वेज लिख के मुझे दे दी, अब मैं बनाऊंगा कैसे? जो भी सीढ़ी होती है उस सीढ़ी के लिए दो दीवारें हमें चाहिए होती हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तभी तो सीढ़ी लगा पाओगे आप। ऐसा तो नहीं कि एक नीचे वाला पार्ट चाहिए हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पार्ट चाहिए, तभी तो यहाँ पर सीढ़ी लगेगी। और सीढ़ी कैसे लगती है? ऐसे लगती है दीवार से, एक इधर और एक इधर, तो ये मेरी लैडर हो गई। और लैडर कितनी है? 15 मीटर लॉन्ग दे रखी है, और ये 15 मीटर ये पार्ट भी मुझे दे दिया गया है। जस्ट रीच इज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, जस्ट रीच इज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। अगर इसको मैं टॉप पर कर देता हूं, जस्ट वॉल यहां पर खत्म हो रही है, यहां पर वॉल खत्म हो गई, टॉप पर है, इट इज द टॉप ऑफ द वॉल, ये वॉल है और इट इज द टॉप ऑफ द वॉल। सो इफ इट इज टॉप ऑफ द वॉल एंड लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री हियर, तो लैडर ने एंगल 60 डिग्री का बना लिया विद द वॉल, देन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वॉल, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वॉल। अगेन आई रिपीट, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच इज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, देन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वॉल। पक्का सही है? ध्यान से सुनना, कई बार मैं गलत भी करता हूँ आप लोगों को चेक करने के लिए, कई बार मैं यहाँ पे गलत भी करूंगा, आप लोगों को पकड़नी है चीजें, क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में वो चीज करूंगा जो आप करेंगे पेपर में, पेपर में जो चीज आप करेंगे वही मैं पहले अटेम्प्ट में कई बार करता हूँ, ताकि हमें पता लग जाए कि वो नहीं करना। चलो अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, देखते हैं। तो हमें हाइट निकालनी है, ये दे दिया, हमें हाइपोटेन्यूज दे दी है, परपेंडिकुलर पार्ट निकालना है, साइन 60 डिग्री लगाना चाहिए, साइन 60 डिग्री पी बाय एच होता है, तो पी मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज 15 है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और परपेंडिकुलर ये वॉल है एंड इट इज 15, परपेंडिकुलर मैंने निकाला 15 √3/2। आप भी ये करके आओगे पेपर में और क्वेश्चन गलत है, आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था मैं पहले अटेम्प्ट में गलत ही करके दिखाऊंगा। और अब किसी ने जाना कुछ, कोई मेरे को आइडिया देना चाहता है कि सर आपने कहां गलती की? आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, तो गलती कहां हुई? डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जब तक आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा ना, ऐसे सॉल्यूशन थोड़ी ना देने के लिए बैठे हैं आप, डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं ना, कि गलती कहाँ हुई? हम इंग्लिश पढ़ते हैं इतने अच्छे, सारी इंग्लिश में गलती हुई है? इट इज नॉट अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट, इट इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, टू रीड दीज लाइन केयरफुली, इफ यू रीड दिस लाइन केयरफुली देन मिस्टेक विल बी नॉट हैपन योर क्वेश्चन। A ladder 15 meter long just reaches the top of the vertical wall, right? This is the vertical wall. Priority किसको दे रहे हैं? Vertical wall को दे रहे हैं. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, ध्यान से सुनना. Vertical wall को उन्होंने priority दी थी. 60 degree angle जो बन रहा है, वो इस दीवार से ही तो बनेगा. 60 degree angle इस दीवार से बनेगा, ना कि horizontal wall. Horizontal wall से. क्योंकि हॉरिजॉन्टल वॉल की तो इन्होंने बात ही नहीं की, इन्होंने तो वर्टिकल वॉल की बात की है, तो एंगल कहां से बनना चाहिए था? 60 डिग्री। तो ऐसे बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, और यही चीज हमें डेवलप करनी है, बिल्कुल यही चीज हमें डेवलप करनी है कि लिखा क्या हुआ, ऐसे चेंजेस दे देंगे वहां, क्योंकि हमारे नेचर में क्या रहे हैं, एंगल यहां मानना, और वही हमने माना भी और गलत हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आया? कॉन्फिडेंस दो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? तो एक दो दो नंबर वाले, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस में इसी तरीके से बोर्ड डिजाइन करता है पेपर। सो नाउ अब हम निकालेंगे तो अब राइट आंसर हमें मिलेगा। अब राइट आंसर क्या है? ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने ये होगा परपेंडिकुलर पार्ट, ये होगा बेस पार्ट, और वह हाइपोटेन्यूज। तो मुझे क्या निकालना है? बी बाय एच लगाना चाहिए, ये बी है, ये निकालना है, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो यहां आ जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इट इज इक्वल टू b बाय h, तो बेस मुझे निकालना है जो कि ये वाला पार्ट बनेगा, और ये 15 दे रखा है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो b अपॉन 15, तो बेस आ जाएगा मेरे पास 15/2 मीटर, सो बेस इज दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ वॉल इज
15 अपॉन 2 मीटर आंसर, और वी कैन से दैट 7.5 मीटर इज 15 अपॉन 2 मीटर आंसर, और